मैं इसकी मम्मी को फोन करूं जरा। इसकी मम्मी तभी फोन ही नहीं उठा रही। क्या होगा क्या होगा, मेरा आज रात क्या होगा। इसकी मम्मी का फोन है, उठाती हूँ। हेलो सरिता, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ कि आज रात मैं घर पर नहीं आ पाऊंगी। मैं और इसके पापा किसी जरूरी काम की वजह से कहीं फंस गए हैं, तो तुम बिट्टू को अपने साथ ही सुला लेना। अच्छा ठीक है। क्या बोली क्या बोली, कितनी देर में आएगी इसकी मम्मी। इसकी मम्मी आज नहीं आएगी, बिट्टू हमारे साथ ही सोएगा। अरे वाह, मजा आ गया। इसको मजा आ गया और मुझे सजा मिल गई। अरे अरे, कहीं आज की रात काली ना हो जाए मेरी। अरे चलिए खाना खा लेते हैं। आ जाओ बेटा, आप भी खाना खा लो। चलो अब सभी फटाफट सोने के लिए, बहुत रात हो गई है। अरे अंकल, रात में तो बुढ़े सोते हैं, बच्चे नहीं। ए सरिता, ये कैसा बच्चा है। अरे अंकल, मुझे बीच में आना है, क्या है ना इस साइड में मुझे थोड़ा डर लगता है। सो जाओ बेटा, बीच में ही सो जाओ। लगता है ये आज रात काली करवा के ही मानेगा मेरी। वाह, अब तो मैं पबजी खेलूंगा पूरी रात। अरे सो जाओ बेटा, कल स्कूल भी तो जाना है। कौन सा स्कूल, कैसा स्कूल। अरे अंकल, आपको पता नहीं ये भी सभी स्कूल बंद हैं। ठीक है बेटा, तुम पबजी खेलते रहो। अरे अंकल ये बताओ, अभी तक आपको कोई बच्चा क्यों नहीं है। अरे बेटा, जब तू सोएगा तभी तो कोई बच्चा होगा ना। अरे सरिता, लगता है ये अब सो गया, मैं इसे साइड में सुला देता हूँ। अरे जल्दी रिवाइव दे मुझे, 5 किल कर चुका हूँ मैं। अबे घोंचू जल्दी आ। अरे बेटा क्या हो गया, और ये सब क्या बोल रहे हो। अरे आंटी कुछ नहीं हुआ, मैं पबजी खेल रहा था, 5 किल कर चुका था, मगर मेरे कमीने दोस्त ने मुझे रिवाइव नहीं दिया। अरे बेटा सपने में कौन पबजी खेलता है। अरे आंटी मैं खेलता हूँ पबजी। पबजी के बिना ना ही दिन में सुकून है और ना ही रात में चैन है, पबजी मेरी जान है। अरे सरिता, ओ सरिता, लगता ही अब सो गया, मैं इसे साइड में कर देता हूँ अब। हाँ ठीक है। अरे ड्रॉप आ रहा है, जल्दी गाड़ी में बैठ। अबे बैठ जल्दी। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो। अरे आंटी वो मैं पबजी खेल रहा था। अरे बेटा सपने में कौन खेलता है पबजी। अरे आंटी अभी तो बताया था मैंने आपको कि मैं